नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महाभारत की किन घटनाओं की वजह से महारथी कर्ण की मृत्यु हुई और केवल श्री कृष्ण जानते थे इनका रहस्य। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण को ऐसे योद्धा के रूप में जाना जाता है जिनसे स्वयं श्री कृष्ण बेहद प्रभावित थे। उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे गुण थे जो उन्हें एक अच्छा योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाती थी। दोस्तों, लेकिन फिर भी उनसे कुछ गलतियां ऐसी हो गईं जो उनकी मृत्यु का कारण बन गई। महाभारत के प्रसंग के अनुसार ऐसे 7 कारण थे जो दानवीर कर्ण की मृत्यु की वजह बने। तो मित्रों, आइए जानते हैं एक एक करके उन सारे कारणों का जो कारण थे कर्ण की मृत्यु का। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, जानते हैं पहला कारण। पहला कारण था परशुराम का श्राप। गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। श्राप का कारण था कि कर्ण ने खुद को क्षत्रिय बताकर शिक्षा ली थी, जिससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली थी। दूसरा कारण है एक ब्राह्मण का श्राप। एक बार कर्ण रथ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि उनके पहिए से एक गाय का बछड़ा दबकर मर गया। एक ब्राह्मण ने ये सब देखकर क्रोधवश कर्ण को श्राप दे दिया कि यही रथ तुम्हारी मृत्यु का एक दिन कारण बनेगा। और दोस्तों, हुआ भी यही। जब कर्ण रथ से नीचे उतर करके रथ के पहिए को सही कर रहे थे, उसी समय अर्जुन ने बाणों का प्रहार करके कर्ण की जान ले ली। दोस्तों, अब जानेंगे अगला रहस्य। अगला रहस्य दिव्यास्त्र का घटोत्कच प्रयोग। कर्ण को देवराज इंद्र ने दिव्यास्त्र प्राप्त किया जिससे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रखा था, लेकिन श्री कृष्ण की युक्ति की वजह से घटोत्कच को कौरव सेना पर आक्रमण के लिए भेजा गया। उसके आतंक से परेशान होकर कर्ण को घटोत्कच पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करना पड़ा और कर्ण की मौत की वजह से घटोत्कच पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करना भी बना। दोस्तों, अब जानेंगे अगले रहस्य को। अगला रहस्य था श्री कृष्ण ने दिया था अर्जुन का साथ। दोस्तों, जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं उसे भला कौन हरा सकता है। दुर्योधन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांग ली थी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया था। और श्री कृष्ण जिसके पक्ष में हो उसे कौन हरा सकता है, और जो भी श्री कृष्ण के विपक्ष में था वो कैसे जीत सकता है। उस समय कर्ण श्री कृष्ण के विपक्ष में थे, इसीलिए इन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगला रहस्य कुंती को कर्ण द्वारा दिया गया वचन। जैसे जैसे महाभारत के युद्ध के दिन बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे कुंती को आभास होता जा रहा था कि पांडव पक्ष कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में कुंती ने कर्ण से भेंट करके ये वचन लिया कि वो उनके पुत्रों को हान नहीं पहुंचाएगा। यह भी कर्ण की मृत्यु की एक बहुत बड़ी वजह बनी। अगला रहस्य भूमि माता का दिया हुआ श्राप। एक बार किसी नेत्रहीन व्यक्ति को प्यास लगी। कर्ण ने उस व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए भूमि में तीर मारकर जल की धारा निकाल दी। अत्यधिक नुकीले तीर से भूमि माता को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि तुम्हें भी एक दिन ऐसे ही बाणों से दर्द सहना पड़ेगा। और यही हुआ, कर्ण को मरते वक्त बाणों से दर्द सहना पड़ा और कर्ण की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगला रहस्य है अन्याय का सहयोग। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपना अधिकार पाने और शोषण के विरुद्ध युद्ध लड़ता है तो उस युद्ध को न्याय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अन्याय कभी भी जीत नहीं सकता। कर्ण ने कौरवों का साथ दिया जो उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया और कर्ण को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मित्रों, ये सारी वजह थी कर्ण के मौत की। हालांकि
हम लोग जानते हैं कि जब कर्ण का और अर्जुन का युद्ध हुआ, उसके पहले देवराज इंद्र ने ब्राह्मण का वेश रख करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। बिना कवच और कुंडल के कर्ण की शक्तियां वैसे भी ना के बराबर हो गई थी, लेकिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। कर्ण जैसे ही रथ के पहिए को सही करने के लिए जमीन पर उतरता है, वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं कि कर्ण पर प्रहार कर दो। अर्जुन मना करते हैं कि मैं निहत्थे पर प्रहार नहीं करूंगा, लेकिन श्री कृष्ण के बार बार कहने पर अर्जुन कर्ण के ऊपर प्रहार कर देते हैं और बाण सीधे जाकर के कर्ण को लग जाता है और कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कर्ण जब युद्ध भूमि पर मरने ही वाले होते हैं, तब अर्जुन को पता चलता है कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं, लेकिन अब वह क्या कर सकते थे। सभी पांडव उनसे मिलने के लिए गए और उनसे क्षमा मांगी, और अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपने ही हाथों अपने अग्रज को मार दिया। दोस्तों, ये थी कहानी सूर्यपुत्र कर्ण के मरने की। वे सारी वजहें बनी जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद।